टाइम हो रहा है 11:50 यहीं। पंक्चुअलिटी एकदम नहीं है भाई, पंक्चुअलिटी कुछ भी नहीं है। पंक्चुअलिटी एक एक 12 बजे घुसेंगे 1 बजे निकल जाएंगे, ऐसा पंक्चुअलिटी है हमारा। पंक्चुअलिटी एकदम नहीं है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 10:40 टाइम हो रहा है, ओजीटी जाना है मुझे। मैं रेडी तो हो चुका हूँ लेकिन मैंने नहाया नहीं है, कि ओजीटी जा रहा हूँ ना। कल तो वैसे मैं भूल गया था इसलिए नहा लेता, आज भूला नहीं हूँ मैं इसलिए नहाया नहीं हूँ। बस वापस आने के बाद देखेंगे। तो अभी फिलहाल जल्दी मुझे निकलना है। जो ट्रेन था 10:40 को अंडाल में, वो अभी तक आसनसोल से खुला नहीं है ऐसा दिखा रहा था, उसी में मैं जाने वाला हूँ क्योंकि आज रौनित नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ से पहुँचूँगा जल्दी स्टेशन, क्योंकि ट्रेन अभी ऐप में नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ट्रेन शायद खुल गया है लेकिन अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, जल्दी निकलते हैं। मैं फिलहाल पूरा रेडी हो चुका हूँ, खाना भी कंप्लीट हो गया मेरा, बैग लेते हैं, मोज़ा पहनते हैं और जूते पहनते हैं नीचे चल के, ऑब्वियसली नीचे करना है वो तो, और फिर निकलते हैं। और टिफिन भी लेना है, मम्मी टिफिन देती है ना। चल अभी मैं तो मैलादोला क्रॉस कर रहा हूँ गाइस, जल्दी पहुँच जाऊँगा स्टेशन। लेकिन ट्रेन जो आने वाला था, मतलब 10:40 में टाइम था अंडा स्टेशन, वो 10:30 को आसनसोल से ही खुला है। तो 10:50 टाइम हो रहा है, अभी तक आया नहीं है। और मैं पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएगा स्टेशन पहुँचते पहुँचते, तब तक भी आएगा नहीं मुझे लगता है। अभी देखते हैं, चलो। मैं तो वैसे शॉर्टकट से जाने वाला हूँ, यूट्यूब से टिकट ले सकता हूँ और शॉर्टकट से चलेंगे, घूमते उतना दूर से नहीं चलेंगे। धूप भी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो जल्दी चलते हैं स्टेशन में, चल के छाँव में बैठते हैं और टिकट भी काट लेंगे, अंदर से घुस जाएंगे इधर साइड से। सामने वाला जो जगह है ना, शॉर्टकट जो है जहाँ से मैं हमेशा जाता हूँ, वहीं से चलते हैं सामने आगे से। दिनों के बाद गाइस इस वाले ट्रेन पे कॉलेज टाइम पे, मतलब कॉलेज टाइम तो नहीं है, कॉलेज ड्रेस में ओजीटी जा रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गया, बहुत पहले गया था, शायद लास्ट महीने गया था, जनवरी में भी गया था, फरवरी में शायद नहीं गया हूँ, या फिर गया हूँ मुझे याद नहीं है। कल रात को यहाँ पे आया था, ट्रेन ही आया नहीं, मतलब ट्रेन आने में इतना लेट किया तो कल तो गया नहीं, इसलिए मैं पीछे क्या ट्रेन है, हाँ मालगाड़ी आ रहा है इसीलिए इतना साउंड है। उधर पीछे ग्रुप डी के स्टाफ सारे काम कर रहे हैं, रेल में जो काम करते हैं ना, लाइन में, लाइन मैन सारे वो लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे जाना है 3 और 4 में से एक में आएगा, तो लाइन क्रॉस करना है, वो भी मालगाड़ी आने से पहले। ये मालगाड़ी आ रहा है, वो शायद लाइन चेंज कर देगा 5 या फिर 6 में, उतना मुझे पता नहीं। इतना अगर पता होता रेलवे के बारे में तो मैं रेलवे मिनिस्टर हो जाता ना, लेकिन चेंज करेगा ऐसा तो कुछ है, क्योंकि मेन लाइन में वो घुसाएगा नहीं। इतना पता है कि मेन लाइन में मालगाड़ी को, मतलब गुड्स ट्रेन को घुसाएगा नहीं। तो मैं चलो क्रॉस करके उधर चलता हूँ, उस साइड में चल के इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि ट्रेन अभी भी कालीपाड़ी के आसपास में है, कालीपाड़ी घुसा है शायद, तो आने में लेट होगा, थोड़ा सा लेट होगा। यहाँ पे खुला सा जगह है ना, तो धूप थोड़ा सा तेज़ लग रहा है। सामने चल के प्लेटफॉर्म के वो जो शेड है उसके नीचे चल के वहाँ पे बैठते हैं। स्टेशन कितना खाली है देखो गाइस, अभी ट्रेन नहीं है ना, ट्रेन आएगा उसके बाद लोग आ जाएंगे, पैसेंजर सारे, स्टेशन इसीलिए खाली है। ये वाला ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट है, नहीं तो इस टाइम पे बहुत सारे पैसेंजर्स होते, उतने भी नहीं होते क्योंकि बीच वाले ट्रेन में सब चले जाते हैं 10 बजे वाले ट्रेन में, लेकिन होते फिर भी। लेकिन मैं यहाँ पर गिरने वाला था अभी, लेकिन अभी स्टेशन पूरा खाली है। इसका एक ही कारण है कि ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट है, ये गुड्स ट्रेन में कोयला जा रहा है शायद। चलो मैं थोड़ा सा और इंतज़ार करूँगा, ट्रेन आने वाला है थोड़ी देर में तो आ जाएगा, ऐसा आशा रखते हैं। ट्रेन आ चुका है गाइस, चलो निकलते हैं अभी। से मुलाकात हो चुका है गाइस, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो रहा है 11:50 यहीं। पंक्चुअलिटी एकदम नहीं है भाई, पंक्चुअलिटी कुछ भी नहीं है। पंक्चुअलिटी एक 12 बजे घुसेंगे 1 बजे निकल जाएंगे, ऐसा पंक्चुअलिटी है हमारा। पंक्चुअलिटी एकदम नहीं है। चलो चलते पहले यहाँ से। तो गाइस बालाजी के पास, मतलब L&T मोड़ में, बालाजी तो उधर है और ऋतिक ने क्या बाइक चलाया आज, 10 मिनट में पहुँच गया। 12:01-12 टाइम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर रुकूंगा और शायद कोशिश करने वाला है, तो फिर साथ में चलेंगे उधर। गेट तो खुला हुआ है मस्त, लेकिन सामना खाली है बूढ़ो, क्योंकि 12 बज रहे हैं ना, इस टाइम पे कौन आएगा। हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम ही आ रहे हैं, बाकी जिनका काम होता है उनको तो जल्दी आना होता है ना, इस टाइम पे कोई नहीं आता है। बस गाड़ी निकल रहा है, प्रोडक्शन करके लेके जाने वाला गाड़ी निकल रहा है बस। धूल देखो गाइस, बाहर इतना धूल है तो अंदर सोचो कितना ज़्यादा धूल होगा। धूल खाने के लिए जा रहे फिलहाल, चॉकलेट खा रहे थे, कुछ तो अंदर रहना चाहिए ना पेट में धूल खाने से पहले। चॉकलेट खा लिया, अभी भूल जाएंगे जब अंदर चल के। ये सिक्योरिटी है बालाजी के अंदर का। तो गाइस अपना ऋतिक, मैं, ओविनोवो और कौशिक, हम 4 ही आए थे और कोई नहीं आया था आज। हम लोग निकल रहे, कौशिक तो आगे निकल गया उधर, हम लोग भी निकल गए। और कल परसों वैसे ही छुट्टी है, निकलते हैं यहाँ से।
एक बजे टाइम हो रहा है तो बाहर गेट से छोड़ देंगे हम लोगों को। गाइस दुर्गापुर स्टेशन में आ चुका हूँ लेकिन अभी ट्रेन नहीं है फिलहाल। अभी 1:25 टाइम हो रहा है, इससे 1:10 वाला जो ट्रेन था वो 5 मिनट पहले निकल गया, उसको तो मुझे मिला नहीं। इसके बाद वाला ट्रेन 2:16 को है जो कि लेट भी हो सकता है, तो मैं अभी अंदर चलूँगा, टिकट ले लेंगे यहाँ सामने से, फिर अंदर चल के 2 या 3 में आता है तो 2 या 3 में जाके बैठेंगे मस्त, जब तक ट्रेन ना आता है। ट्रेन आने में 1 घंटे के आसपास टाइम है, बैठ के टाइम पास कर लेते हैं थोड़ा सा। घर में जाके नहाना भी है, मैं तो नहाने नहीं आना है, तो गाय घूम रही है तो मस्त। स्टेशन पूरा खाली है बिल्कुल, इस टाइम पे कोई ट्रेन नहीं है ना, इसीलिए 1 घंटे बाद ट्रेन है, तब तक मैं यहाँ पे मस्त खाली सा जगह है मस्त बैठता हूँ, काम करते थोड़ा सा सो लेते हैं। ये वाला जयनगर जाने वाला ट्रेन है, कोलकाता जाने का मतलब, जयनगर से वापस आ रहा है कोलकाता जा रहा है, मैं यहाँ पे मस्त टाइम पास करता हूँ। ठीक है, लेकिन टाइम हो चुका है 3:30 के आसपास और वेदर देखो काफ़ी मस्त है, क्या मस्त आसमान लग रहा है। इस वाले जो क्लाउड है ना बादल को, इसको बंगाली में पेजा तुलो वाला क्लाउड कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में पता नहीं है मुझे, उन्होंने पढ़ा था ऐसे टाइप का होता है, मतलब देखो देख के कॉटन जैसा लगेगा। और ये देखो ये इंस्पेक्शन वाला इंजन लग रहा है मुझे, तो मुझे अभी फ़िलहाल जाना है घर, और बीच में एक बार आसनसोल भी जाने का था लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, आज भी अगर जाऊंगा तो कल जैसा ही हालत होगा, इसीलिए वो प्लान भी आज कैंसिल करना पड़ेगा। कल सैटरडे संडे छुट्टी है, कल देखेंगे। अभी धूप भी थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन आसमान काफ़ी मस्त लग रहा है, तो जल्दी घर पहुँचते हैं, घर जाके नहाना भी है ना, आज तो नहा के नहीं आया था। 3:30 के आसपास टाइम है, 4 बजे तक पहुँचेंगे घर, थोड़ा सा जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी जाऊँगा उतना जल्दी नहा सकूँगा, तो उस हिसाब से चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जितना जल्दी हो सके। ये इंस्पेक्शन वाला इंजन है, अंधेरा काफ़ी सा ज़्यादा हो चुका है, देखो बिरयानी पार्टी, चलो करते हैं पार्टी, सोना दाने पैसा भेजा है पार्टी करेंगे, चलो बिरयानी खाते हैं। हाँ उधर गाना चल रहा है मस्त, और अभी हम लोग को निकलना है, थोड़ा सा उधर जाना है उस बाज़ार में जहाँ पे गए थे वो ठीक करने के लिए, ये नहीं मतलब लैपटॉप ठीक करने के लिए गया था ना, तो वहीं पे फिर से चलेंगे, थोड़ा सा और काम है, वो काम भी निपटा के आते हैं। और थोड़ा सा अभी इस टाइम पे हवा लग रहा है, मतलब हवा चल रहा है, ठंड तो लग नहीं रहा है लेकिन मस्त हवा चल रहा है, तो मैं एक कुछ शर्ट वर्ट पहन लेता हूँ, ऐसे टी शर्ट पहन के चलूँगा तो ठंड लग जाए। चलो यहाँ पे सब कुछ बदल गया, गाना बज रहा है बीप रात का, तो चलो फिलहाल निकलते हैं, और आज के लिए इस ब्लॉग को करते ही पे एंड आएगा, तो लोग वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग।